गुड इवनिंग दोस्तों, ब्रांड को पहनो नहीं, अपने आप को खुद एक ब्रांड बनाओ, इसी मोटिवेशन क्यूटे के साथ आज शुरू करते हैं। मैं चंचल मकवाना पवार आप सभी का स्वागत करती हूं हिंदी करंट अफेयर्स की क्लास में। आज 4 जून 2020 है दोस्तों, और पहला क्वेश्चन है मेरा आपसे, केंद्र सरकार ने हाल ही में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की समस्याओं के समाधान में सहायता करने हेतु किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? ए चैंपियन, बी ताकत, सी समाधान और डी है निमंत्रण। तो दोस्तों इसका आंसर होगा चैंपियन। यह सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित एक प्रबंधन सूचना प्रणाली है। यह सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित एक प्रबंधन सूचना प्रणाली है। इस प्रणाली को सूचना राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की सहायता से पूर्ण रूप से स्वदेशी तकनीक द्वारा तैयार किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य वर्तमान की कठिन परिस्थितियों से उबरने में MSME क्षेत्र के उद्यमों की सहायता करना है। दूसरा सवाल दोस्तों, हाल ही में ब्रिटेन में भारत की नई उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? ए राहुल सचदेवा, बी मोहित त्रिपाठी, सी गायत्री कुमार और डी विनोद त्यागी। दोस्तों गायत्री कुमार को किया गया है। विदेश मंत्रालय ने 2 जून 2020 को कहा कि अनुभवी राजनयिक गायत्री कुमार को ब्रिटेन में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। साल 1986 बैच की भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी कुमार सुरुचि घनश्याम की जगह लेगी। वर्तमान में गायत्री कुमार बेल्जियम, लक्समबर्ग और यूरोपीय यूनियन में बतौर भारतीय राजदूत सेवाएं दे रही हैं। ब्रिटेन के शक्तिशाली यूरोपीय यूनियन से बाहर आने के बाद गायत्री कुमार की इस महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति ऐसे समय में सामने आई है जब भारत ब्रिटेन से द्विपक्षीय संबंधों को विस्तार देने की ओर अग्रसर है। गायत्री कुमार पेरिस, काठमांडू, लिस्बन और जिनेवा के अलावा कई भारतीय मिशन में सेवाएं दे चुकी हैं। तीसरा सवाल है दोस्तों, हाल ही में किस युवा महिला क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड हेतु नामित किया गया है? ए दीप्ति शर्मा, बी स्मृति मंदावा, सी पूनम यादव है और डी है राधा यादव। दोस्तों दीप्ति शर्मा को किया गया है। इनके बारे में पढ़ेंगे। दीप्ति शर्मा एक भारतीय क्रिकेटर हैं। इन्होंने 28 नवंबर 2014 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना पहला प्रदर्शन किया। वे एक बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और राइट आर्म की मध्यम गति वाली गेंदबाजी करती हैं। अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिए जाने वाला एक पुरस्कार है जो भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार को प्रारंभ साल 1961 में हुआ था। चौथा सवाल दोस्तों, हाल ही में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? आशुतोष टंडन, देव सिंह, आदेश गुप्ता या मंगल पांडे। तो दोस्तों आदेश गुप्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी जिसे बीजेपी कहते हैं ने कोरोना संकट के बीच बड़ा बदलाव किया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष पद पर मनोज तिवारी को हटा दिया गया है। अब उनकी जगह पर आदेश कुमार गुप्ता को दिल्ली बीजेपी की कमान दी गई है। आदेश कुमार गुप्ता जो है वो दिल्ली की जमीनी राजनीति से जुड़े हुए नेता के तौर पर माने जाते हैं। आदेश गुप्ता के पास पार्षद और नॉर्थ दिल्ली के मेयर का तजुर्बा है, यानी दिल्ली की सियासत में उनका तरबूजा काफ़ी नीचे तक है। आदेश गुप्ता मूल रूप से उत्तर प्रदेश यूपी के रहने वाले हैं। वे कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद दिल्ली आ गए थे। पांचवा सवाल है दोस्तों मेरा, हाल ही में किस चक्रवाती तूफान की वजह से महाराष्ट्र एवं गुजरात में अलर्ट जारी किया गया है? ए अम्फान, बी कैटरीना, सी ओखी और डी निसर्ग। दोस्तों ये निसर्ग है। यह अभी बहुत ही पॉपुलर न्यूज़ भी चल रही है। मुंबई में ज़्यादातर इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। मुंबई और गुजरात के ज़्यादातर इलाकों में रेड अलर्ट जारी है। निसर्ग तूफान मुंबई में अलीबाग के तट से टकराया है। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान करीब 120 किलोमीटर प्रति रफ्तार की से टकराया है और मौसम विभाग के मुताबिक
बीती एक सदी में ये पहला चक्रवाती तूफान है जो महाराष्ट्र के तट से टकराया। इससे पहले 1948 में और 1980 में दो बार चक्रवाती तूफान उठा था, लेकिन वो तट से नहीं टकराया, समुद्र में ही कमजोर पड़ गया था। छठा सवाल दोस्तों, विश्व साइकिल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ए 25 मार्च को, बी 10 जनवरी को, सी 15 अप्रैल को और डी 3 जून को। तो दोस्तों 3 जून को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 3 जून को क्या अंतर्राष्ट्रीय विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला आधिकारिक विश्व साइकिल दिवस 3 जून 2018 को मनाया गया। यह दिवस परिवहन के सरल, किफ़ायती, भरोसेमंद और पर्यावरण की सुरक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। भारत में भी साइकिल के पहियों ने आर्थिक तरक्की में अहम भूमिका निभाई है। सातवां सवाल दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कितने खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है? 20, 25, 14 या फिर 10? तो दोस्तों आंसर होगा 14, सी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कई संशोधनों की मंजूरी दी है, साथ ही मंत्रिमंडल ने खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने के लिए भी मंजूरी दी है। सरकार ने किसानों को फसल पर उनकी लागत की तुलना में 50-83% तक अधिक रिटर्न मिलना सुनिश्चित किया है। कैबिनेट ने फसल वर्ष 2020-21 के लिए धान की MSP 1868 रुपये, जौ की MSP 2620 रुपये, बाजरा की MSP 2150 रुपये प्रति क्विंटल तय कर दी है। कपास की MSP 260 रुपये बढ़ाकर 5,515 रुपये प्रति क्विंटल कर दी है। आठवां सवाल दोस्तों, केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत हाल ही में किस राज्य को 1,407 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? ए पंजाब, बी असम, सी झारखंड और डी तमिलनाडु। दोस्तों यह है राज्य असम। असम में जल जीवन मिशन का लक्ष्य 2020-21 तक 13 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करना है। राज्य का उद्देश्य कमजोर और हाशिए पर पड़े वर्गों को प्राथमिकता के आधार पर रखना है। ग्रामीण समुदाय की सक्रिय भागीदारी के साथ ग्राम कार्य योजनाएं बनाई गई हैं। इस मिशन के तहत हर घर में पाइप के द्वारा पानी पहुंचाने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से आगे आने और जल संसाधनों के संरक्षण में योगदान देने का आग्रह किया है। नवा सवाल दोस्तों, केंद्र सरकार ने मोबाइल फोन उत्पादन में दुनिया का शीर्ष देश बनाने के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों एवं उनके कल पुर्जों के उत्पादन को गति देने के उद्देश्य से करीब 50,000 करोड़ रुपए की लागत से कितने नई योजनाएं शुरू करने की घोषणा की है? ए 5, बी 7, सी 3 और डी 4। दोस्तों 3 इसका जवाब होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के विनिर्माण को पिछले 6 वर्षों में गति मिली है और अभी भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक देश बन चुका है। देश को अगले कुछ वर्षों में दुनिया का शीर्ष देश बनने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि इन तीनों योजनाओं से अगले 5 वर्षों में करीब 10 लाख लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है। इसके साथ ही 8 लाख करोड़ रुपए के विनिर्माण और 5.8 लाख करोड़ रुपए के निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। दसवां सवाल दोस्तों, विश्व पाचन दिवस वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे निम्न में से किस दिन बनाया जाता है? ए 29 मई, बी 15 मार्च, सी 10 अप्रैल और डी 12 जून। तो दोस्तों ए 29 मई जो होगा वो सही जवाब है। प्रतिवर्ष 29 मई को विश्व पाचन दिवस मनाया जाता है। विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस, इसकी शुरुआत WGO और WGOF के सहयोग से की गई थी। इसका उद्देश्य पाचन संबंधी रोग विकार के विषय में जन जागरूकता बढ़ाना है। उल्लेखनीय है कि 29 मई 1958 में संपन्न वॉशिंगटन में वर्ल्ड गैस्ट्रो एंडरोलॉजी के पहली विश्व कांग्रेस की बैठक में विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। इसी के साथ यह क्विज खत्म होती है दोस्तों।
मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सवाल जवाब और उनका एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। तो इसीलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने किन्हीं भी दो दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।